हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वन शॉट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री आपको पता है, केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है साइंस की जो केमिकल रिएक्शन यानी कि या फिर केमिकल प्रोसेसेस से डील करती है। और सरफेस का मतलब क्या है? सतह। तो किसी भी सतह पर जब कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। मतलब सरफेस केमिस्ट्री वो प्रोसेस है, वो फिनोमिना है जो सरफेस पे होने वाली केमिकल रिएक्शन से डील करता है। यहाँ पर हमारे पास दो फेजेज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? दो फेजेज होते हैं जो क्या करते हैं, दो चीज़ों को सेपरेट करने का काम करते हैं। इन फेजेस को हम बाउंड्री भी कहते हैं। दो चीज़ों के बीच में जो बाउंड्री होती है या फेजेस होती है, वहां पर सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, वो लिक्विड के साथ रिएक्शन कर रहा है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड। क्लियर है? ठीक है। गैस और गैस आपस में कभी भी सरफेस रिएक्शन या फिर सरफेस इंटरफेस जो है वो नहीं बनाती। उसका रीजन क्या है कि दोनों गैसेस जो हैं कम्प्लीटली आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो वो किस तरीके की बाउंड्री बनाएंगी, किस तरीके का इंटरफेस बनाएंगी? तो इंटरफेस या फिर बाउंड्री जो है वो कौन बनाते हैं? सॉलिड लिक्विड के साथ, ठीक है, या फिर सॉलिड सॉलिड के साथ, या फिर लिक्विड लिक्विड के साथ। क्लियर है? अब अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस केमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से काफ़ी टॉपिक आपके कट गए हैं, बट इसके एप्लीकेशन में एडजॉर्प्शन, ठीक है, कैटलिसिस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशंस, ये सारे इसके एप्लीकेशंस में आते हैं। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज़ें बची हैं। क्या बची हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से? एक तो हम पढ़ेंगे इन डिटेल एडजॉर्प्शन को, और एक हम इन डिटेल पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन को। कोलोइड्स भी लिख सकते हैं, कोलोइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट ए रहेगा आपका और ये पार्ट बी रहेगा। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे एडजॉर्प्शन से। कोलोइड्स हमारा बाद में आएगा इसी चैप्टर में। इसमें ना कैटालिसिस वगैरह भी थे, बट वो हट गए हैं अब सिलेबस से। अब देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें दो तरीके के प्रोसेसेस हो सकते हैं। दो तरीके के प्रोसेसेस हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। दोनों में अंतर क्या है? इस चैप्टर में हम इससे डील करते हैं, इससे डील नहीं करते, पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या है कि मान लीजिए एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने कोई इंक डाल दी, कोई इंक का सॉल्यूशन है, ये इंक भर दी या कुछ भी भर दिया मैंने, और मैंने इसके अंदर एक कॉटन का टुकड़ा डाल दिया। मैंने कहा कि मैं किसके अंदर रुई का टुकड़ा डाल रही हूँ। तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, ये इसकी सतह पे जाएंगे सबसे पहले और उसको चीरते हुए अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएंगे। यानी कि जो आपकी रुई है, कॉटन है, वो पूरी तरीके से भीग जाएगी। तो इसमें पार्टिकल अंदर तक चले गए, ये है बल्क फिनोमिना। ये क्या है? ये है बल्क फिनोमिना। और जो बल्क फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ रहे, पर आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या है। वन मार्क्स में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। एडजॉर्प्शन क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई भी लिक्विड डाला है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर एक सॉलिड का पार्टिकल डाल दिया। यहां पे मैंने कोई सॉलिड का टुकड़ा डाल दिया, मान लो कोई मेटल डाल दिया, ठीक है। और ये इंक के पार्टिकल क्या करेंगे? ये इंक के पार्टिकल इसके सरफेस पे जाकर चिपक जाएंगे, ठीक है, इसके सरफेस पर जाके चिपक जाएंगे।
पर ये इंक के पार्टिकल जो है वो इसके अंदर नहीं घुस सकते, सिर्फ सतह सतह पे रहेंगे। तो ये कैसा फिनोमिना है? ये सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ सतह पर हो रहा है। तो जो सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन, एडी। और जो बल्क फिनोमिना होता है जिसमें पार्टिकल अंदर तक चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एबी, एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस सीख लिया कि ये बल्क फिनोमिना होता है और ये क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी पार्टिकल्स की अंदर बाहर सरफेस पे और जो अंदर है वो सेम रहेगी, यूनिफॉर्मली रहेगी। जबकि यहाँ पे क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी सरफेस पे ज्यादा रहेगी, अंदर कम रहेगी। अंदर तो हो गए ही, जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? बल्क के कंपेरेटिवली सरफेस पे पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे। अब कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। तो एड्सॉर्प्शन में सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है क्या क्या? एक आती है एड्सॉर्बेट और एक आता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। इस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर ना एक पार्टिकल रख दिया, पार्टिकल नहीं एक टुकड़ा रख दिया मैंने किसी कैटलिस्ट का, प्लैटिनम रख दिया सपोज। ठीक है, मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पर प्लैटिनम रख दिया। अब ये गैस के पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे, इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होता है, जो अपनी सतह दे रहा है कि हाँ भाई एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। उसे हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट। और जो पार्टिकल सरफेस पे आकर चिपक जाते हैं उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जो गैस के पार्टिकल आकर चिपके, जिनका एड्सॉर्प्शन हुआ, वो एड्सॉर्बेट कहलाते हैं। और जिसके सतह पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जो अपने सरफेस को प्रोवाइड करा रहा है रिएक्शन के लिए या प्रोसेस के लिए, उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो ये एड्सॉर्बेट गैस के पार्टिकल और प्लैटिनम क्या कहलाएगा इस केस में? एड्सॉर्बेंट। तो दोनों टर्म क्लियर हो गई। इसके बाद आता है हमारा एक टर्म जिसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन प्रोसेस ये होता है कि जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो जाते हैं, मतलब दोनों हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है और मैंने यहां पर एड्सॉर्बेट रख दिया, सॉरी एड्सॉर्बेंट रख दिया। अब ये पार्टिकल क्या हुए, पहले तो इसके सरफेस पर आकर चिपके, यानी कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हुआ। ठीक, उसके बाद ये पार्टिकल धीरे धीरे इसके अंदर भी जाने लग गए, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारी टर्म आती है वो आती है डिसॉर्प्शन। वो क्या आती है? डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, मान लो इसके सरफेस पर आकर चिपक गए, अब हम कह रहे हैं कि हम किसी टेक्निक से या प्रोसेस से जो पार्टिकल एड्सॉर्ब हुए हैं उसको हटा देंगे, क्लीनिंग कर देंगे। ठीक है, तो जो रिमूवल हो रहा है एड्सॉर्बेट पार्टिकल का एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे से, उसे हम क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन। डीई का मतलब ही यही होता है केमिस्ट्री में, क्या होता है? रिमूवल। ठीक है, पांचवी जो हमारी टर्म है इंपॉर्टेंट वो है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो क्या है? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सरफेस है,
ठीक है, एडजॉर्बेंट का सरफेस है, और यहां पर एक मोल एडजॉर्बेट आकर चिपक गए, एक मोल एडजॉर्बेट आकर चिपक गए। अब जब ये इसके सरफेस पर चिपकेंगे तो यहां पे एंथैल्पी में, एनर्जी में चेंज आएगा। तो जो एंथैल्पी में, एनर्जी में चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है वो मैं अभी आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगी आगे। तो जो इसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, एनर्जी में चेंज आएगा, वो क्या कहलाएगी, इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन को, कि एडजॉर्प्शन कितने तरीके के होते हैं या एडजॉर्प्शन का टाइप क्या है। एडजॉर्प्शन दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसे हम फिजियोसॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, देखिए एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि होगा सतह पे, ठीक है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एडजॉर्बेंट, और इसके सरफेस पर पार्टिकल आकर एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, ठीक है, चिपक गए। यहां पे भी हमारे पास क्या है, यहां पे भी हमारे पास एडजॉर्बेंट है, और इसके सरफेस पर भी पार्टिकल आकर इकट्ठा हो गए। ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इनके बीच की जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, अगर ये वेंडर वॉल इंटरेक्शन होती है, अगर ये कैसे इंटरेक्शन होती है, वेंडर वॉल्स इंटरेक्शन होती है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, जस्ट अट्रैक्शन है, वीक फोर्सेस का अट्रैक्शन है, वेंडर वॉल्स अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को या इट्स एडजॉर्प्शन प्रोसेस को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारा एडजॉर्बेट इसके एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आकर चिपका है, एडजॉर्ब हुआ है, और इसने क्या किया, एडजॉर्बेंट के साथ कोई केमिकल बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया, केमिकल बॉन्ड बना लिया। अब चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे आयनिक हो, बट अगर उसने इसके साथ क्या कर लिया, केमिकल बॉन्ड बना लिया, तो इस तरीके के एडजॉर्प्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्योंकि यहां पर सिर्फ वेंडर वॉल इंटरेक्शन हो रहा है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, और वेंडर वॉल इंटरेक्शन हर किसी में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए सारे के सारे गैसेस हो गए या सारे एडजॉर्बेट जो हैं वो क्या शो कर सकते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो कौन सी फोर्सेस की वजह से हो रहा है, वेंडर वॉल, और वेंडर वॉल हर जगह एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हर कोई फिजिकल एडजॉर्प्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, सब शो करेंगे। अब आते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में, इसमें क्या हो रहा है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड जो है वो हर किसी के बीच में नहीं बन सकता, हर किसी का नेचर है कि मैं इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, इसके साथ आयोनिक बॉन्ड बनाऊंगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। तो हर चीजों के बीच में क्या है, स्पेसिफिसिटी है कि मैं इस तरीके का या इस टाइप का बॉन्ड बनाऊंगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन हर कोई शो नहीं करता, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती क्योंकि वीक इंटरेक्शन होता है, इसीलिए यहां पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो काफी कम रहता है, 20 से 40 किलो जूल, इतनी ही एनर्जी लिबरेट होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, काफी स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, और ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी एनर्जी को लो करके बाहर एनर्जी को फेंकते हैं। तो यहां पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है
वो क्या रहेगी, देखिए कुछ बुक में दिया होता है 40 से 240 किलो जूल पर मोल, और कुछ किताबों में दिया होता है 42 400 किलो जूल पर मोल, कुछ बुक्स में तो ये 20 भी दिया होता है 40 की जगह, ठीक है। तो आप ये भी लिख के आओ, ये भी सही रहेगा, ये लिख के आओ, ये भी सही रहेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए कितने सारे हमारे पास चीजें होती है इस ब्रह्मांड में, कितने सारे हमारे पास ऐसी चीजें होंगी जो एड्सॉर्बेट का रोल प्ले करके यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन कर रही होगी, तो हम हर किसी की वैल्यू को तो रिपोर्ट नहीं करते, तो हम एक बेसिक आइडिया के लिए रेंज बता देते हैं। तो आप ये रेंज लिख के आ रहे हैं तो भी सही है, आप ये रेंज लिख कर आ रहे हैं तो भी सही है। कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, रेंज काफी ऊपर चली जाती है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रेंज 240 तक, 250 तक, 300 तक भी रहती है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों वैल्यू इसलिए बोली है। अब मान लो मैं ये लिख दूं और आप लोग बोलो कि नहीं मैडम एग्जाम आइडिया में तो ये दे रखी है, तो कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगी, कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई सरफेस कंपाउंड नहीं बनता, नो सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कोई सरफेस कंपाउंड नहीं बनता, जबकि यहां पर सरफेस कंपाउंड बनता है, सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है। यहां पे हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। यहां पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, ठीक है। आप टेम्परेचर दोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल इसके सरफेस को छोड़ छोड़ के भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीक इंटरेक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इनकी वैल्यू थ्रीशोल्ड के बराबर जाएगी, फिर ये वापस आएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, उसके बाद टेम्परेचर घटाने पर ये धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। एक डिफरेंस और हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बोला कि इनके बीच में वेंडरवॉल इंटरेक्शन रहता है, और मैंने कहा कि वेंडरवॉल हर कोई शो करता है, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर भी पार्टिकल आके वेंडरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू एड्सॉर्ब हो सकते हैं, फिर दूसरे पार्टिकल भी इनके ऊपर आकर क्या हो सकते हैं, एड्सॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या शो करता है, ये मल्टी लेयर शो करता है, ये मल्टी लेयर बनाता है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है कि सिर्फ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, तो ये सिंगल लेयर रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर लेयर, यूनिमोलिकुलर लेयर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है। बहुत सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एड्सॉर्बेंट है, ये क्या है, ये एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट में दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल होते हैं जिसको हम बल्क पार्टिकल कहते हैं, और बल्क पार्टिकल जो है वो सराउंडिंग एटम से सारी डायरेक्शन में क्या होता है, अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल इस सेंटर वाले पार्टिकल को, मैं इधर बना देती हूँ, ये सेंटर वाला पार्टिकल, इस सेंटर वाले पार्टिकल को जो एटम, नेबरिंग एटम इस डायरेक्शन में खींच रहा है, उसके अपोजिट वाला इस डायरेक्शन में खींच रहा है, यहां से जो नेबरिंग एटम इधर खींच रहा है उसके अपोजिट वाला इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और ये इधर खींच रहा है। तो सारे नेबरिंग एटम्स, ठीक है, मैं छोटे छोटे बना रही हूं, एक्चुअल में क्या होते हैं, ये टच होते हैं, ऐसे टच होते हैं ये एक दूसरे से, ठीक है। तो सारे एटम्स क्या कर रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शंस में खींच रहे हैं पार्टिकल को, तो इस पे जो नेट पुल लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो इस पे जो नेट पुल लग रहा है, पुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट पुल या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो जीरो लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये पार्टिकल जो है, या जो बल्क के दूसरे पार्टिकल हैं, ये क्या है, क्वाइट स्टेबल है,
ठीक है, बट जो पार्टिकल सरफेस पे है उसे नीचे वाले पार्टिकल तो खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट ऊपर तो उनके कोई है ही नहीं। तो ये पार्टिकल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके उनके ऊपर खिंचाव है ना नीचे की तरफ से। तो क्या होगा, जब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो पार्टिकल इसके सरफेस पर आकर चिपक जाएंगे, ठीक है, और जो पार्टिकल इसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं वही पार्टिकल क्या करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी तरह ही स्टेबल हो जाएगा, और जब ये स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करेगा। जिसे नहीं पता है वो बात ध्यान रखिए कि स्टेबिलिटी बढ़ती है, जब भी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो इस पार्टिकल को जितने नीचे वाले खींच रहे थे, अब ऊपर वाले भी उतने ही खींच रहे हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होने की वजह से, तो इस पार्टिकल में स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई पहले के मुकाबले, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब अगर ये अपनी एनर्जी कम कर रहा है तो ये क्या करेगा, बाहर एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा, बाहर एनर्जी को रिलीज करेगा, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि जब एक मोल पार्टिकल एड्सॉर्ब हो जाता है तो उस समय जो एनर्जी या एंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो इससे आप क्या सीखे कि जब भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि जब भी कोई प्रोसेस होता है और हीट बाहर निकलती है, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के साथ, तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। इन द सेम वे जब यहां से एनर्जी रिलीज हुई है हीट की फॉर्म में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, और इस प्रोसेस में डेल्टा एच जो है वो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है एनसीईआरटी कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इसे एक्सप्लेन करिए, या एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों होता है, ठीक है। तो आपको यही सब चीजें डिस्कस करनी है कि दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं बल्क पार्टिकल, एक होते हैं सरफेस पार्टिकल। बल्क पार्टिकल में क्या होता है, नेबरिंग एटम जो है इक्वल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस पे जो नेट पुल या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो जीरो होता है और ये पार्टिकल स्टेबल होता है। पर जो सरफेस के पार्टिकल हैं उस पे नीचे तो फोर्स लग रहा है बट ऊपर कुछ है नहीं, तो एड्सॉर्प्शन करने के बाद उस पे जो नेट पुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, और वो अपनी एनर्जी जब कम करता है तो बाहर एनर्जी को फेंकता है हीट की फॉर्म में, इसीलिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि आप इसके डेल्टा जी को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आपको पता है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन खुद से हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो उसका जो नेट रिजल्टेंट है वो नेगेटिव आना चाहिए। जिसके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वही प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद से होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जी जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो इसको नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो पता ही है मुझे कि डेल्टा एच मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो सारे पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं, तो यहां पर रेंडमनेस बहुत ज्यादा है, इधर उधर सारे तितर बितर हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेंडमनेस है उसको हम क्या कहेंगे, रेंडमनेस जितनी ज्यादा हम कहेंगे एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। अब मैंने यहां पर एक पार्टिकल एड्सॉर्बेंट जो है उसका टुकड़ा रख दिया और ये क्या कर रहा है, इन पार्टिकल को धीरे धीरे एड्सॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस पे बुला बुला के। तो यहां से जो रेंडमनेस है एनवायरमेंट में से वो कम हो रही है, एंट्रोपी घट रही है। अगर एंट्रोपी घटने लग जाएगी, ठीक है, अगर एंट्रोपी क्या है, घटने लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस में डेल्टा एस। माइनस माइनस क्या हो सकता है, पॉजिटिव। अच्छा ध्यान रखिए, इसके बाहर क्या है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव
तभी आपका ओवरऑल नेगेटिव आएगा जब आपकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम हमेशा बोलते हैं कि एच हमारा क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एस से न्यूमेरिकली ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहां से जो ग्राफ निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है यहां पर बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। कुछ लोग इसे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जिसकी पावर होती है 1/n। तो x बाय एम क्या है, ये है एड्सॉर्प्शन, ये क्या है एड्सॉर्प्शन। x क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, और m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक यूनिट मास ले लिया एड्सॉर्बेंट का और उस पर कितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो कितना एड्सॉर्ब हो रहा है, कितने मास पे, वो क्या बता रहा है, हमारा x बाय m की वैल्यू बता रहा है। n जो है ये हमारा फैक्टर होता है, फ्रेंडलिक ने ये चीज बताई थी। अब उन्होंने क्या कहा कि जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, तो यहां पर कॉन्स्टेंट आता है k इंटू में p की पावर 1/n। क्लियर है, अब मैं यहां पर लॉग ले रही हूं, लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग k इंटू में p की पावर 1/n। लॉग x बाय एम इज इक्वल टू, यहां आइडेंटिटी लगेगी लॉग a प्लस लॉग b की, तो ये हो जाएगा लॉग k प्लस लॉग p की पावर 1/n। जो भी लॉग की पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो गया 1/n। ठीक है, तो मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूं लॉग x बाय एम वर्सेस लॉग p के, तो मैंने क्या किया है, इसे y एक्सिस पे लिया है, इसे मैंने क्या लिया है, x एक्सिस पे लिया है, और ये हो गया c। तो ये मेरा x एक्सिस पे है, ये मेरा y एक्सिस पे है, तो x और y ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। यहां पर हमें c की वैल्यू मिल रही है, c हमारा इंटरसेप्ट होता है, तो यहां से हम एक्सट्रापोलेट करके इंटरसेप्ट निकाल दे सकते हैं जो कि आएगा लॉग k। और अगर हम स्लोप की बात करें, m हमें स्लोप बताता है, तो स्लोप की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/n। क्लियर है, ठीक है, बढ़े हैं आगे। तो एक तो हमने ये चीज डिस्कस करी, अब हम इसका एक और ग्राफ डिस्कस करेंगे। x बाय एम अगर मैं लॉग ना लूं, सिर्फ x बाय एम के वर्सेस, x बाय एम वर्सेस p प्रेशर के ग्राफ बनाऊं, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, अब कैसे आ रहा है देखिए, फ्रेंडलिक ने क्या कहा कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ठीक है, हम यहां पर तीन चीजें पढ़ते हैं, क्या, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर, यहां पे बता देती हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, यहां पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यहां पर ये कंडीशन हो सकती है कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, p की पावर 1/n, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहां पर आया कांस्टेंट k। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर n की वैल्यू रख दूं 1, या आप यही समझ लो कि कुछ भी मैंने वैल्यू रखी पर 1/n जो है मेरा ओवरऑल 1 आ गया, 1 भी रखूंगी तो 1 से 1 कट के 1 ही आएगा, तो 1/n मेरा 1 आ गया, तो x बाय एम इज इक्वल टू k इंटू में p की पावर 1, और k को हटाऊंगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, वापस से k को हटा दिया तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ठीक है, तो लो प्रेशर पे, जब यहां पर लो प्रेशर है ना, ये जीरो है, यहां से ऐसे ऐसे करके प्रेशर बढ़ रहा है, तो लो प्रेशर पे
हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू में पी की पावर वन लो प्रेशर, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो पेपर में आ सकता है, एक्सप्लेन करना। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ग्राफ था ये शुरू में इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज करने के बाद इसमें थोड़ा सा बेंट आया, तो ये क्या है हमारा, ये जहां पे बेंट होता है कर्व आता है ये होता है इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर कौन सा होता है, ये लो प्रेशर है। अब आएगा इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर कौन सा होता है, जब हमने x बाय एम इज इक्वल टू हमने लिखा k की पावर k इंटू में p की पावर 1 बाय एन, जब 1 बाय एन की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, क्या हो, 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, बेंट देखने को मिलता है कर्व के अंदर। समझ में आया। आते हैं अब हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर, ठीक है, एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाय एन, ये होता है एक्स बाय एम, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, के पी की पावर 1 बाय एन। अब अगर हमारा 1 बाय एन जीरो आ गया तो जिसकी पावर जीरो वो टर्म तो 1 हो गई, ये तो हट गया फिर, तो एक्स बाय एम इज इक्वल टू के आ गया और के क्या है हमारा कॉन्स्टेंट। तो बहुत ही हाई प्रेशर पर, जब बहुत ही हाई प्रेशर पर जाते हैं तो एक ग्राफ कैसा आ जाता है, ये कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो ये है आपका इंटरमीडिएट प्रेशर और ये है इसका हाई प्रेशर, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या है, x बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय एन, और हाई प्रेशर पे क्या है, x बाय एम इज इक्वल टू के ओनली, पी की पावर जीरो हो जाती है तो वो हट जाता है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है आपके पेपर में और ये भी करना आ सकता है, अगर 3 मार्क्स में आ गया कि डिस्कस करो फ्रेंडली किड्स ऑप्शन आइसोथर्म, तो आपको सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसे, एक दो टर्म्स हैं, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी बुक में है तो मैं इसलिए बता रही हूं, पर ये कोई पूछता नहीं है। एड्सॉर्प्शन आइसोबार, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और बार का, बार जो है वो यूनिट है किसकी, प्रेशर की। तो जब हम एड्सॉर्प्शन को एक्स बाय एम वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करते हैं ग्राफ और कांस्टेंट प्रेशर पर प्लॉट करते हैं, तो जो भी हमारा कर्व आता है वो हमारा क्या होता है, एड्सॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है। आइसोबार मतलब सेम प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ बना रहे हैं। फिर आता है एड्सॉर्प्शन आइसोटेर, एड्सॉर्प्शन आइसोटेर का मतलब क्या है कि जब हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन को चेक करने के लिए, तो वो हमें क्या बताता है, एड्सॉर्प्शन आइसोटेर, ठीक है। तो ये दोनों टर्म इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि इनका मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में और भी काफी कुछ है अच्छी अच्छी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है, फ्रेंडली के एड्सॉर्प्शन आइसोटेर में से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक होता है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे गैसेस के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या लिखते हैं, x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय एन, ये गैस के लिए था, गैस का प्रेशर देखते हैं। जब कोई सॉल्यूशन आ जाए तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन देखी जाती है, तो x बाय एम यानी कि एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 बाय एन। x बाय एम इज इक्वल टू के इंटू में सी की पावर 1 बाय एन, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, एड्सॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन रहेगा। फिर आते हैं हम एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशंस पे, आपको 2-3 एप्लीकेशंस जरूर पता होनी चाहिए एड्सॉर्प्शन की। सबसे पहले हम इनको गैस मास्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो भी लोग माइनिंग वगैरह करते हैं, वर्कर्स वगैरह, तो उनको मास्क दिया जाता है, गैस मास्क। तो क्या होता है, जो भी उनका मास्क होता है, ठीक है, जिस भी तरीके का उनका मास्क होता है, तो मास्क में यहां पर क्या लगाए जाते हैं, एड्सॉर्बेंट लगाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई हार्मफुल गैस वो इनहेल करते हैं तो ये एड्सॉर्बेंट क्या करते हैं, हार्मफुल गैस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं और अंदर बॉडी के अंदर प्योर एयर को भेजते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी चीज में से सब्सटेंस को हटाना है,
जिसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कैटलिस्ट है, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोल लो या फिर हेट्रोजीनियस एडसॉर्प्शन बोल लो। क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास सपोज प्लैटिनम है, मैंने क्या किया यहाँ से हाइड्रोजन को एडसॉर्ब किया, यहाँ से मैंने क्या किया अल्कीन को एडसॉर्ब किया, इनको एडसॉर्ब करने के बाद इनके बीच की रिएक्शन करा दी, और रिएक्शन कराने के बाद मैंने क्या किया अल्केन बना लिया। तो सरफेसेस पे कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए भी हमें एडसॉर्प्शन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में से हमें कलर रिमूव करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वाटर ले लिया, वाटर के अंदर कोई कलर मिला हुआ है, तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर कोगुलेंट डाल लूँगी, वो क्या करेगा इसको न्यूट्रलाइज करेगा, पीपीटी बना के नीचे बिठा देगा और हम प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं कि एडसॉर्प्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो जो हमारा पार्ट वन है एडसॉर्प्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट टू की तरफ, जिसे हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड्स। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या रहेगा आपका, देखिए जैसे हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या होता है, दो चीज़ होती हैं। क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें दो टर्म आते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज फेज बताता है किसका, बताता है कोलोइडल पार्टिकल का, कि कोलोइडल पार्टिकल जो है हमारे वो गैस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है या सॉलिड की फॉर्म में है। तो एक तरीके से ये हमारा सॉल्यूट होता है और ये हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म हमने ट्रू सॉल्यूशन के लिए दे रखा है, यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल का क्या फेज है या कोलोइडल पार्टिकल के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज, कि कोलोइडल पार्टिकल का फेज क्या है, सॉलिड लिक्विड या गैस, और वो जिसके अंदर डिसॉल्व होता है यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन सबसे पहले तो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, मतलब इसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इन विच अ डेफिनेट सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एज डिस्पर्स्ड फेज इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या रहेगा, लेस देन वन नैनोमीटर रहेगा। क्या रहेगा? लेस देन वन नैनोमीटर। उन्हीं सॉल्यूशन को हम कोलोइड्स कब कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन वो कब बन जाते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन वो तब बन जाते हैं जब सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज एक नैनोमीटर से हजार नैनोमीटर की रेंज में आ जाए। ठीक है, तीसरे होते हैं हमारे सस्पेंशन। सस्पेंशन हम किनको कहते हैं? सस्पेंशन हम उन्हें कहते हैं जब सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर चला जाता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में जहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज एक नैनोमीटर से कम होता है वहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोलोइडल सॉल्यूशन में जहाँ पे पार्टिकल का साइज एक नैनोमीटर से हजार नैनोमीटर के बीच में होता है वहाँ पे हम सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। डिस्पर्स फेज हमें कोलोइडल पार्टिकल का ही क्या बता रहा होता है, फेज, कि कोलोइडल पार्टिकल सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये टेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से ना टेबल में से आपको वन मार्क्स में क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बता रखा है, इसमें यह बता रखा है कि अगर हमारा डिस्पर्जन फेज
यानी कि जो पार्टिकल हैं अगर वो गैस है और लिक्विड के अंदर वो फैले हुए हैं तो वो बनाएंगे फोम, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रोट, ठीक है, झाग, व्हिप्ड क्रीम एंड सोप लेदर। फिर गैस और सॉलिड अगर है, गैस सॉलिड के अंदर है तो सॉलिड सोल बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे प्यूमाइस स्टोन। आपने देखा होगा एड़ी वगैरह या मैलदल उतारने के लिए हम पत्थर यूज करते हैं, जिस पत्थर में ऐसे छेद 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 होते हैं, तो प्यूमाइस स्टोन, फोम रबड़, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिक्विड को गैस के अंदर फैलाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, इसे हम एरोसोल कहेंगे। एरोसोल का एग्जांपल हो गया फोग, धुंध, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ठीक है, बादल, कीड़ों को मारने का जो स्प्रे होता है। लिक्विड इन लिक्विड अगर है तो अमल्शन बनाएगा, जो कि मिल्क और हेयर क्रीम रहेगा। लिक्विड अगर सॉलिड के अंदर रहेगा, जेल बनाएगा, चीज़, बटर, जेलीज इसका एग्जाम्पल रहेंगे। सॉलिड अगर गैस के अंदर डिजोल्व है तो भी एरोसोल, ये ध्यान रखना आप, लिक्विड गैस के अंदर तो भी एरोसोल, सॉलिड गैस के अंदर तो भी एरोसोल, मतलब कुछ भी हो अगर गैस के अंदर तो एरोसोल। इसका एग्जाम्पल है स्मोक, डस्ट। सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर है, सोल बनाएगा, पेंट, सेल फ्लूड्स, गोल्ड सोल, ठीक है, ये सब। सॉलिड अगर सॉलिड के अंदर डिजोल्व है, सॉलिड सोल बनाएगा, जिसके एग्जाम्पल है सम कलर्ड ग्लासेस, जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, जो राशि वाशि की अंगूठियां भी लोग पहनते हैं। तो हो सकता है इस टेबल में से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाए। ऐसे भी आ सकता है कि मिल्क या हेयर क्रीम किसका एग्जाम्पल है, चीज़ या बटर किसका एग्जाम्पल है, ये आ सकता है। एरोसोल का कोई एग्जाम्पल बताओ, सॉलिड सोल का कोई एग्जाम्पल बताओ, सोप लेदर किसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी इस टेबल में से पूछा जा सकता है। ये देके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल देके ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 डिफरेंस पढ़ेंगे हम। पहला डिफरेंस जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। किस किस के बीच के इंटरेक्शन, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करता है जब वो सॉल्यूशन बनाता है, इन द सेम वे डिस्पर्जन फेज भी इंटरैक्ट करता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ, ठीक है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जब वो डिस्पर्ज रहते हैं, फैले हुए रहते हैं किसी न किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, कोलोइड्स बनाने के लिए, तो किस तरीके से मीडियम और फेज के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, एक तरीके से कोलोइडल के पार्टिकल की इंटरेक्शन हो रही है किसके साथ, जिसके अंदर वो डिस्पर्ज्ड हैं, ठीक है। तो जब हम नेचर ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो 2 तरीके के ये सोल्स बनाते हैं, ठीक है। सोल्स हम किसको कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को ही कहते हैं। तो एक होता है हमारे पास लायोफोबिक, एक होता है हमारे पास लायोफिलिक। क्लास 10th में आपने सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा होगा, जब हम उनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं। कौन कौन सी टर्म्स पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक और एक हम पढ़ते हैं हाइड्रोफिलिक, है ना। हम क्या कहते हैं कि भाई जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग चेन होता है किसका, फैटी एसिड का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट होगा, सोडियम या पोटेशियम का। तो जो लॉन्ग चेन होती है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो हमारा आयोनिक पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है ये क्योंकि क्या है, चार्ज है इसके ऊपर, और वाटर भी कैसा होता है, आयोनिक, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है आयोनिक पार्ट, है ना। और क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रा मीन्स या हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब जो उसका लविंग हो, उसके साथ इंटरेक्ट करे। जो हमारे पास कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन आपको पता है नॉन पोलर होती है, तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। तो जो भी कोई हमारा, जब हम सोप को या डिटर्जेंट को पानी के अंदर डालते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन जब कम रहती है तो ये किस तरीके से रहेगा, जैसे सपोज ये पानी है आपका, तो ये किस तरीके से रहेगा कि ये जो आयोनिक पार्ट है ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो ये नॉन आयनिक पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये इस तरीके से रहेगा वाटर से दूर, ठीक है, समझे आप। तो वाटर के लिए हम जिस तरीके से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक शब्द को यूज करते थे, इन द सेम वे जो हमारे पास
अदर सॉल्वेंट होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सॉल्वेंट पानी ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो कलेक्टिवली जब हम वर्ड यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, लायो वर्ड। लायो मीन्स क्या रहेगा आपका, सॉल्वेंट, और फोबिक का मतलब है सॉल्वेंट रिपेलिंग, रिपल्शन, और फीलिक का मतलब क्या है, सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। तो ये कैसे रहेंगे, ये आपके कैसे रहेंगे, सॉल्वेंट हेटिंग रहेंगे या सॉल्वेंट रिपेलिंग रहेंगे, दूर भागेंगे सॉल्वेंट से, और लायोफिलिक जो है ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके रहेंगे सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। सॉल्वेंट के पास कूद कूद के जाएंगे, भागेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल होते हैं, जो इसके पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस हैव नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। मैंने बताया ना कि ये सॉल्वेंट रिपेलिंग या सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या रहेंगे, सॉल्वेंट रिपेलिंग या फिर सॉल्वेंट हेटिंग रहेंगे। तो इनमें कोई एफिनिटी नहीं होती, कोई इनके बीच में बहुत अच्छा आकर्षण नहीं होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में मीडियम के लिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर कोई सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाह रहा, या उसकी ज़्यादा क्षमता ही नहीं है उसके साथ घुलने मिलने की, तो क्या वो अच्छा कोलॉइडल सॉल्यूशन या इजी तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है लायोफिलिक सोल। तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स्ड फेस की, इनकी बहुत ही अच्छी क्षमता होती है, बहुत ही ग्रेट एफिनिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं, उनकी तरफ भागते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। फिर क्या है, अब देखिए, क्योंकि ये सॉल्वेंट रिपेलिंग है, भागेंगे दूर दूर, तो ये हम इजीली नहीं बना सकते, है ना। दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, मार काट रहे हैं एक दूसरे को, और हम चाहते हैं कि भैया उनका मेल मिलाप हो जाए, वो प्यार से रहे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना, समझ रहे हो ना, दो विलेन को दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इजीली नहीं बन सकते, और इनको बनाने के लिए हमें ना स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि जब ये बन जाए तो वो स्टेबलाइजिंग एजेंट उनको बांध के रखे, उनको प्रिजर्व करके रखे, बचा के रखे। अब ये जो है लायोफिलिक सोल, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता है, अट्रैक्ट होता है, बहुत अच्छी क्षमता होती है उसकी, तो ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, सेल्फ स्टेबलाइज हो जाते हैं, क्योंकि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत ही अच्छी क्या रहती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होते, पहली बात तो ये बन ही नहीं रहे, फिर हमने 70 चीज़ें डाल के ज़बरदस्ती उसको किसी ना किसी तरीके से बाइंड किया, बनाने की कोशिश की, फिर ये बन गए ना, तो बन गए, उसके बाद आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। सो दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, जबकि लायोफिलिक का क्या है, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। आपको पता है रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, तो प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्टेंट बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे लायोफोबिक सोल होते हैं इन्हें हम एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स कहते हैं, और जो हमारे लायोफिलिक सोल्स होते हैं इन्हें हम इंट्रिंसिक कोलॉइड्स कहते हैं। जो फोबिक है एक्सट्रिंसिक, जो आपके फीलिक है इंट्रिंसिक। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लो कि किस तरीके से याद रखोगे, आप इस तरीके से याद रख लो कि जो हमारे पास लायोफिलिक है, लायोफिलिक में हमारे पास डबल आई आ रहा है, ठीक है, तो डबल आई वाला जो है उसके लिए हमारा क्या रहेगा, आई वाला इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का स्टार्टिंग आई से है, और फिलिक में भी डबल आई आ रहा है, तो यानी कि जिसमें ज़्यादा आई आ रहा है वो हमारा आई से आई, याद रखो कि आपका क्या रहेगा, इंट्रिंसिक कोलॉइड। ये उनके लिए बता रही हूँ जो बच्चे जिनको लगता है कन्फ्यूजन रहती है या हम पेपर में भूल जाएंगे। और जो लायोफोबिक है जिसमें सिंगल आई आ रहा है, उसके लिए आपका क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक रहेगा, ठीक है। ये इजिली होता है बनाना, आप क्या कर सकते हो, क्यों इनको इंट्रिंसिक कोलॉइड्स कहा जाता है, क्योंकि आप इनको सिंपली शेक करके भी बना सकते हो। सिंपली आप क्या करोगे, डिस्पर्जन फेज लोगे, डिस्पर्जन मीडियम में डालोगे, आप शेक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई हमारे जो ये लायोफिलिक सोल हैं ये बन रहे हैं, समझ में आया। तो ये इजीली टू प्रिपेयर होते हैं, शेक करके ही बना सकते हो, इसलिए इन्हें हम इंट्रिंसिक कोलॉइड्स कहते हैं, जबकि इनका ऐसा नहीं है। इनको आपको अलग अलग डिफरेंट मेथड से बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड से बनाना पड़ेगा, मुश्किल होता है इनको बनाना, तब जाके ये बनते हैं, और एक बार बन गए तो बन गए, बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर आप लायोफोबिक सोल के एग्जाम्पल्स देखना चाहेंगे तो गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, ठीक है,
FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक के ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, दे आर लायोफोबिक सोल। अगर हम बात करें किसकी, लायोफिलिक की, तो गम्स हो गया, जेलाटिन हो गया, स्टार्च हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सारे क्या बनाते हैं, लायोफिलिक सोल बनाते हैं। जिस सॉल्वेंट के अंदर आप डालोगे उनके साथ अच्छे तरीके से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मतलब कि जो कि एक तरीके से डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो जो सॉल्यूट है हमारा, उसके पार्टिकल का साइज क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मैंने कहा था कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज रहता है 1 नैनोमीटर से कम रहेगा, लाइक 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। कोलोइडल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल का साइज रहेगा वो साइज क्या रहेगा, उस साइज की रेंज क्या रहेगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच तक की। और जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उनमें क्या रहेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। क्लियर है? तो हमें ना तो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है इस समय, ना हमें सस्पेंशन पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोलोइडल पार्टिकल का साइज। तो कोलोइडल सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में हो। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं मल्टी मॉलिकुलर। मल्टी का मतलब ही क्या है, मैनी। मल्टी का मतलब क्या है, मैनी, और मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैनी मॉलिक्यूल्स वाले कोलोइड। अब ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन जो बहुत सारे मॉलिक्यूल के जुड़ने से बन रहा है, अब आप खुद दिमाग लड़ाओ कि क्यों मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ने की नौबत आ रही है, या ऐसे सिचुएशन पड़ रही है कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे। हमने कहा कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डायामीटर, ठीक है, या जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। तो हमें तो इस रेंज में चाहिए, तभी कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, थाउजेंड्स नंबर में या और भी बहुत सारे नंबर्स में वो आपस में जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और उसके जुड़ने के बाद जब उनके पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ जाएगा तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर है? तो मल्टी मॉलिकुलर में आप याद रख सकते हैं, मल्टी का मतलब मैनी और मॉलिकुलर मींस मॉलिक्यूल्स। तो छोटे छोटे एटम्स या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनका डायामीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है वो आपस में एग्रीगेट करते हैं, इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, ताकि वो ऐसे स्पीशीज बना सके जिनके पार्टिकल का साइज कोलोइडल रेंज में आ सके, मतलब कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ सके। तो इस कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, सल्फर सोल हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड सोल हो गया। तो ये किस तरीके के कोलोइड्स हैं, दे आर मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बिग, लार्ज, बड़ा। तो जो हमारे बिग या लार्ज मॉलिक्यूल्स वाले कोलोइड्स होते हैं उनके कोलोइडल सॉल्यूशन को हम मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलोइड्स कहते हैं। ये अपने आप ही बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, ये अपने आप ही इजीली 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लाई करते हैं। तो इनको कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका मास होता है, साइज भी इनका इस रेंज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो अपने आप ही कोलोइडल रेंज में फॉल करता है, काफी स्टेबल कोलोइडल सॉल्यूशंस ये बनाते हैं। और इसके एग्जांपल में क्या होता है, स्टार्च, सेलुलोज। सेलुलोज का कभी स्ट्रक्चर गूगल करके देखना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबड़, ये सारे मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तीसरे होते हैं हमारे पास एसोसिएटेड कोलोइड्स। ये डिफरेंस ना काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आपको मिल सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लेना।
एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, जुड़ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसे कुछ कोलॉइड्स होते हैं हमारे, ये डिपेंड करते हैं, जैसे इनका क्या था, रेंज पे डिपेंड कर रहा था, पार्टिकल के साइज की रेंज पे डिपेंड कर रहा था। ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, ये किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। जब लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, कंसेंट्रेशन कम रहेगी, तो ये ना सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हम किनको कहते हैं, जब वो टूट जाएं, ठीक है, तो प्लस माइनस में टूट जाएं, लाइक केटायन एनायन में टूट जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो एक प्लस चार्ज स्पीशीज देगा, एक माइनस चार्ज की स्पीशीज देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे सारे एसिड्स हो गए, सारे बेसिस हो गए, सारे सॉल्ट हो गए, तो जो भी केटायन एनायन में या जो भी आयोनिक स्पीशीज में टूट सकते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनका अमाउंट कम होता है, तो ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। पर जैसे ही आप ना इसके अमाउंट को बढ़ा दो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, किसकी बात कर रही हूँ मैं, सॉल्यूट की बात कर रही हूँ, जिसे हम कोलॉइडल वाले पोर्शन में डिस्पर्जन फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन फेज मतलब सॉल्यूट। तो जब हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो ये क्या करते हैं, आपस में इकट्ठा होने लगेंगे, 100,000 ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा होने लगेंगे, और गुच्छा बनाने के बाद ये जो फॉर्म इनकी बनती है उन्हें हम माइसेल्स या मीसेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है सोप और डिटर्जेंट। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब हम सोप के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, COO-Na+। तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी तो ये टूट जाएगा, मतलब ये पूरी चेन एक तरफ COO- और Na+ अलग हो गया, ठीक है। तो केटायन एनायन में टूट गया जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। पर जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे, तो बढ़ाने के बाद क्या होगा कि जो आयोनिक पार्ट है, ठीक है, वो तो आ जाएगा अंदर की तरफ, और जो नॉन आयोनिक पार्ट है वो चला जाएगा बाहर की तरफ, और इस तरीके से ये गुच्छा सा बना लेंगे, ठीक है, जिसमें फिर ये बाद में इस तरीके से गुच्छा सा बना लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको आप इस तरीके से बनाइए, जैसे अगर मैं सोप की वर्किंग समझाऊं, तो सोप की वर्किंग में क्या होता है, मान लो ये ऑयल और डर्ट है सपोज, तो ऑयल या डर्ट जो है, हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन आयोनिक होता है, तो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा हमारा सोप का नॉन आयोनिक पार्ट, इसको एंट्रैप कर लिया, और बाहर की तरफ है आयोनिक पार्ट माइनस वाला, और यहाँ पे मान लो आप क्या है कि ये वाटर है, ठीक है, पानी के अंदर है ये ऐसे। तो पानी के साथ किसने इंटरेक्ट करी, आयोनिक पार्ट ने, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये गुच्छा बना के क्या ऑयल या ग्रीस जो भी है उसको एंट्रैप कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से पढ़ते हैं ना हम इसका क्लिंजिंग मैकेनिज्म। तो मैं आप क्लिंजिंग मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ कि जब हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे जो सोप के, उन्होंने गुच्छा बना लिया, और तो जब वो जिस तरीके से जो वो एग्रीगेट हुए, तो इस एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, माइसेल्स फॉर्म कर लिया, ठीक है। फिर आगे जाके ऑयल ग्रीस को इंट्रैप करते हैं, हम वॉश करते हैं, रगड़ते हैं, तो फिर ये ऑयल डर्ट को कपड़े के क्लोथ के सरफेस से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका क्लिंजिंग मैकेनिज्म होता है। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हमने क्या कहा कि अगर हम टाइप ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट के टाइप ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना चाहें, तो तीन तरीके से हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है हमारा मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स, ये हमारे वो कोलॉइड्स होते हैं जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं ताकि वो कोलॉइडल रेंज में आ सके, कोलॉइडल सॉल्यूशन को बना सके। दूसरा हमारा क्या होता है, मैक्रोमॉलिकुलर कोलॉइड्स, इसमें पार्टिकल खुद ही बहुत बड़े साइज का होता है, अपने आप ही कोलॉइडल रेंज में फॉल करता है। इसमें हमारे पास सारे बड़े बड़े टाइप के बायोमोलिक्यूल्स टाइप के, यू नो, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। फिर एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये दोनों पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करते हैं,
और ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कम कॉन्सेंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, कैटायन एनायन में टूटेंगे। जब कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे सॉल्यूट की, तो फिर ये आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, 100 या 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और ये माइसेल्स को फॉर्म करते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इस कैटेगरी का एग्जाम्पल हमारा क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारी, वो है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोप और डिटर्जेंट। तो क्या होते हैं हमारे पास सरफेस एक्टिव एजेंट्स? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन पे, ताकि उनकी सरफेस टेंशन को क्या कर सके, लोअर कर सके, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, जब पानी होता है हमारे पास, तो पानी के अंदर जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन में सोप मॉलिक्यूल डालते हैं, तो सोप का जो आयोनिक पार्ट है वो इस तरीके से इंटरैक्ट करता है, और नॉन पोलर पार्ट जो है वो वाटर से क्या रहता है, दूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस एक्टिव एजेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या, सरफेस पर इकट्ठा होते हैं जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और क्या करने की कोशिश करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एड्सॉर्प्शन में भी पढ़ाया था कि हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं बल्क पार्टिकल, जो अपने नेबरिंग एटम्स से या मॉलिक्यूल से इक्वल मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फील कर रहे होते हैं वो जीरो होता है। बट जो सरफेस पे हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पे नेट डाउनवर्ड पुल लग रहा होता है, बट ऊपर कुछ होता नहीं है, इन पे सरफेस टेंशन लग रही होती है, जिसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए अपने सरफेस पे चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे पास क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम CMC कहते हैं। CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर 1-1 मार्क्स में आपके बोर्ड में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो CMC क्या है, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, कि सोप सॉल्यूशन की कौन सी, मतलब कितनी लोएस्ट, कम से कम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए जहां पर माइसेल्स फॉर्म कर सके, कि भाई इतनी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन तो हमें लगेगी ही लगेगी माइसेल्स को बनाने के लिए, ठीक है। फिर है उसके बाद क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर क्या है कि माइसेल्स बनने के लिए एक टेम्परेचर की रेंज होती है, कि उतना टेम्परेचर होना ही चाहिए, उस टेम्परेचर के ऊपर ही माइसेल्स बनेगा। अगर उससे कम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, चिल्ड कंडीशन है, तो वहाँ पर माइसेल्स फॉर्म नहीं होंगे। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, माइसेल्स बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है, कि टेम्परेचर जो है इससे ऊपर ही होगा तभी माइसेल्स फॉर्म होंगे, वरना नहीं फॉर्म होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। नोट करिए इससे प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कैसे कैसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो मेजरली इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में क्या करते हैं हम, हमारे पास ना बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज होती है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि कोलोइडल पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। तो कुछ हमारे पास ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका साइज जो है वो क्या चला जाता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर उनका पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उनको तोड़ेंगे और स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, तोड़ तोड़ के हम उनको इस रेंज में ले आएंगे, मतलब कि 1000 नैनोमीटर से छोटा कर देंगे, 1 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जब हम बड़े पार्टिकल को तोड़ते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि वो कोलोइडल रेंज में आ सके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उस मेथड को हम डिस्पर्जन मेथड कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है मैकेनिकल डिस्पर्जन। यहां पर हम कोलोइडल मिल का यूज करते हैं, यहां पर हम कोलोइडल मिल का यूज करते हैं, पेंट वगैरह हो गया,
ठीक है, डाई हो गया, डेंटल क्रीम्स हो गई, वो सारी हमारी मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड से क्रिएट होती हैं। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, इसमें हम यूज करते हैं ब्रेडिग आर्क मेथड। क्या यूज करते हैं? ब्रेडिग्स आर्क मेथड, वो भी मैं अभी समझाऊंगी कि क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इन तीनों का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना ताकि वो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने वाले रेंज में आ सकें। दूसरा होता है हमारा कंडेंसेशन मेथड। जैसे ये ब्रेकिंग पर बेस्ड है डिस्पर्जन मेथड, कंडेंसेशन मेथड मेकिंग पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है? एग्रीगेशन होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं आसान शब्दों में, ठीक है, एग्रीगेट जुड़ना। तो पार्टिकल क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें हमारे बेसिकली चार पार्ट हैं: केमिकल रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग एंड कैथोडिक रिडक्शन। ये वाला जो आपका पार्ट है ये थोड़ा सा आपका रटने वाला जाएगा। अब आप सोचोगे मैम पूरा ही चैप्टर रटने वाला है, बट फिर भी जो कुछ हमारे इस चैप्टर के टॉपिक हैं वो समझने वाले भी हैं। बट इनमें क्या है, बेसिकली समझाने का कुछ नहीं है, आपको एज इट इज केमिकल रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में डबल डीकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो कोलोइडल सोल हम बना सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करके हम सोल बना सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक्सेसिव कूलिंग करके और कैथोडिक रिडक्शन करके, ज्यादातर हम लेड के सॉल्ट्स यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके फ्लो चार्ट बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, डिस्पर्जन मेथड की अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन मेथड में मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि हम बड़े साइज के पार्टिकल्स लेते हैं, क्योंकि उनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, हम उनको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल में ताकि वो कोलोइडल रेंज में आ सके, उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो सके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, इस मेथड में बिगर सस्पेंशन पार्टिकल जिनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर है उनको हम ब्रेक कर देते हैं छोटे पार्टिकल्स में ताकि उनके पार्टिकल का साइज क्या हो सके, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। सबसे पहला जो तरीका है वो है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। आपने देखा होगा कई बार, आप अपने जब छोटे होंगे तो पापा के साथ जाते होंगे, या अगर आप जाते हैं खुद भी जाते हैं मम्मी या पापा की हेल्प कराने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, गेहूं पिसवाते हैं, आटा पिसवाते हैं, चक्की पे जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे बड़ी सी मशीन रखी होती है ना, इस तरीके से कोनिकल की शेप में और हम फनल की शेप में, और हम क्या देखते हैं, वहाँ से जो अंकल होते हैं वो गेहूं को डालते हैं और गेहूं पिसता है और पाउडर की फॉर्म में आटा बन के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास फनल की शेप की, ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, बिगर पार्टिकल डालते हैं, जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, जो बिगर साइज के पार्टिकल्स हैं उनको हम डालते हैं इस तरीके से। और यहां पे ना एक रोटर लगी होती है, वो रोटर ना ऐसे गोल 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 घूमती है। हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा साइज दिखा दिया है, बट यहाँ पे ना साइज काफी कम होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा जगह नहीं होती। तो ये रोटर जो है ये एक पट्टी से अटैच होती है, ठीक है, साथ में रोटर जो है वो मोटर से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही वो पट्टी घूमती है, रोटर भी गोल 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 घूमता है और ये पार्टिकल्स जो हैं ये धीरे धीरे पिसते चले जाते हैं। तो बड़े साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो पिसने की वजह से क्या हो जाते हैं, स्मॉल साइज के हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का मैंने बहुत ही शॉर्ट में मैकेनिज्म बताया है किसका, कोलोइडल मिल का। तो मैकेनिकल डिस्पर्जन में हम कोलोइडल मिल को यूज करते हैं, ये कोलोइडल मिल का वर्किंग मैं बता रही थी। तो कोलोइडल मिल से हम क्या बनाते हैं, डाई स्टफ, जितने भी डाई से रिलेटेड चीजें हो गई, प्रिंटिंग इंक्स हो गई, ठीक है, पेंट हो गए, डेंटल क्रीम्स हो गई, दांतों की जो क्रीम्स आती हैं, तो इनको बनाने के लिए हम लोग कोलोइडल मिल का यूज करते हैं। दूसरा मेथड आता है हमारे पास इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, जिसे हम ब्रेडिग आर्क मेथड भी कहते हैं। ये मेथड बहुत ही ज्यादा फेमस है, इस मेथड से हम गोल्ड, यू नो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, इनके सोल बनाते हैं।
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे ना गोल्ड का सोल बनाना है, मेरे को क्या करना है, गोल्ड का सोल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, गोल्ड की जो सोना है, ठीक है, गोल्ड है, उसकी ना मेटल ले लूंगी, जिसका भी बनाना है आप उसका ले लो मेटल। तो मैंने गोल्ड का क्या किया, यहाँ पर मेटल ले लिया, और इसको ना मैंने किसी चीज में नहीं, वाटर में ऐड किया है, वो सॉरी वाटर में डिप किया है, यहाँ पर क्या है वाटर, और वाटर के साथ मैंने लिया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही हाई वोल्टेज से मैं करंट दूंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग की वजह से आर्क प्रोड्यूस होगी, और वो आर्क क्या करेगा, इस मेटल के एटम को आयोनाइज कर देगा। जैसे ही वो मेटल के आयंस आयोनाइज होंगे और सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमने रख रखा है पानी और ये बाहर है आइस, तो ये चिल्ड वाटर, एकदम से कोल्ड वाटर जो है, ये क्या कर देगा, उस मेटल जो मेटल के पार्टिकल जो आयोनाइज्ड होकर आए हैं उनको कंडेंस कर देगा, और वो पार्टिकल धीरे 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 पानी के अंदर फैल जाएंगे और हमें कलरलेस वाटर जो है वो गोल्डन होता हुआ दिखाई देगा, मतलब एक तरीके का सोने का पानी है, आपने गोल्ड वाटर को जनरेट कर दिया, जिसे हम गोल्ड सोल कहते हैं। तो इसमें क्या है, पानी है और पानी के अंदर गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से डिस्पर्स्ड हो गए हैं, तो गोल्ड सोल हमारा बन गया है, ठीक है। तो यही आपको बता रखा है क्या, कि एक आर्क प्रोड्यूस होती है जब हम हाई वोल्टेज देते हैं बिटवीन द रोड्स ऑफ मेटल, जो भी मेटल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, इमर्स्ड इन वाटर, उसको हम डुबो के रखते हैं पानी के अंदर, कंटेनिंग KOH, सराउंडेड बाय आइस कोल्ड वाटर। KOH हम क्यों डाल रहे हैं, टू स्टेबलाइज द सोल, सोल को स्टेबलाइज करने के लिए, और इस मेथड को हम ब्रिडिक आर्क मेथड कहते हैं, इससे हम सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम कॉपर की सोल्स को बनाते हैं, क्लियर है। थर्ड है हमारे पास पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का दूसरा नाम होता है डिस्पर्जन बाय थर्ड सब्सटेंस, कि कोई थर्ड चीज डाल देने की वजह से पार्टिकल्स फैल गए। अब क्या है, देखिए इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन है, और उसमें ना प्रेसिपिटेट बन गया, उसमें क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। अब हमने ना उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो आयंस में डिसोसिएट होने की क्षमता रखता हो, जैसे NaCl, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो Na प्लस Cl माइनस में टूट सकता है, HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो H प्लस Cl माइनस में टूट सकता है, तो हमारे एसिड बेस जो होते हैं, सोल्ट होते हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एनी सब्सटेंस विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी एक चार्ज, ठीक है, इसे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का ना कोई भी एक चार्ज ये क्या करेगा, अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा। जब एक ही सेम चार्ज ये अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा, आपको पता है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, तो वो सेम चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करेगा, उस रिपल्शन की वजह से पीपीटी फट जाएगा, ठीक है, और फटने की वजह से इसके पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो देखिए पेप्टाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस होता है बाय पासिंग अ प्रेसिपिटेट, किसी प्रेसिपिटेट को पास कर देना कोलोइडल सॉल्यूशन में, और किस तरीके से, किसी इलेक्ट्रोलाइट के ऐड कर देने से। इस प्रोसेस में जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम यानी कि लिक्विड जो होता है वो क्या कर देता है, ब्रेक्स अप द प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलोइडल स्टेट, ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट को ब्रेक कर देता है और कोलोइडल सॉल्यूशन में फैला देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है कि जैसे हमारे पास क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, अगर हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन गया है तो हम उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या डाल सकते हैं, फेरिक क्लोराइड FeCl3, वो उसके सरफेस पे जाकर एड्सॉर्ब होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन में फैल जाएगा और हमें वापस से कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तीन मेथड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे समझ में आ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्जन मेथड में हम बड़े पार्टिकल को तोड़ रहे हैं छोटे पार्टिकल में, इसमें भी टूटा पार्टिकल, इसमें भी पार्टिकल टूटा, ठीक है, और इसमें भी पार्टिकल जो है वो टूटा, पिस के टूट गया, ब्रेक हो गया। तो मैकेनिकल डिस्पर्जन में हमने कोलोइडल मिल का यूज किया जिसमें रोटर घूमती है और वो बड़े साइज के पार्टिकल को पीसते हुए चलती है, ब्रेक करते हुए चलती है छोटे पार्टिकल में।
दूसरे इलेक्ट्रो डिस्पर्जन में यानी कि ब्रेडिक आर्क मेथड में हमने पढ़ा कि हम जो भी मेटल का सोल बनाना चाहते हैं उसकी इलेक्ट्रोड को लेते हैं, ठंडे पानी के अंदर उसको डिप करके रखते हैं, इमर्स्ड करके रखते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज देते हैं हम, तो हीट से जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है वो मेटल को आयोनाइज कर देती है, ठंडा पानी उसको कंडेंस कर देता है और उसके पार्टिकल्स पानी में फैल जाते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई प्रेसिपिटेट होता है, हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो वो एक चार्ज को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर देता है, सेम चार्ज जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है रिपल्शन की वजह से प्रेसिपिटेट फट जाता है और पूरे सोल्यूशन में फैल जाता है, तो हमें कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाता है, इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने डिस्पर्जन मेथड देख लिया, अब हम देखेंगे कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड अफसोस की बात है थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट क्योंकि सिलेबस में है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे चीज़ें ना आपको थोड़ा याद करने वाली ही ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो कंडेंसेशन मेथड में हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं मॉलिकुलर साइज के छोटे छोटे पार्टिकल्स से और फिर वो आपस में जुड़ जाते हैं पार्टिकल्स, ताकि वो कोलॉइडल रेंज में, कोलॉइडल डायमेंशंस में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका तरीका है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करके हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसके चार सब पार्ट हैं, डबल डीकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगी, पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज होती है कि नहीं होती है, बट एक वीडियो को बनाने में, कोई भी वीडियो मैं बना रही हूँ उसके लिए भी मैं कह रही हूँ, और सरफेस तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी मेहनत से इसको बनाया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी लिखने में भले ही आपको ये वीडियो मिल रही है एक घंटा, डेढ़ घंटे की, दो घंटे की, ठीक है, बट आपको पता नहीं है इसको बनाने में पीछे छः छः घंटे, सात सात घंटे की मेहनत होती है, क्योंकि मैं खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, और ये लिखने में जितना टाइम खराब होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जस्ट दो घंटे की या एक घंटे की वीडियो है तो हम जस्ट आए, रिकॉर्ड किया और वो बस दो घंटे का ही मेहनत उसके पीछे छुपी है, उसके पीछे कई घंटों की मेहनत छुपी होती है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ देखो इस वीडियो को पर्टिकुलरली इतने लोगों ने लाइक किया है तो लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे किस तरीके की वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पर काम करूँगी। साथ ही साथ आपके जो अब इस वीडियो का मोटिव है वो ये है बच्चों की हेल्प करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें डबल डीकम्पोजिशन की, तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, इन सब की एक तो केमिकल रिएक्शन याद करनी है, एक एक केमिकल रिएक्शन है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगी। ठीक है, तो डबल डीकम्पोजिशन में आपको ये याद रखना है कि ये यूज किसके लिए करते हैं, तो मेटल के सल्फाइड बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। किसी भी मेटल का अगर सल्फाइड बनाना है तो डबल डीकम्पोजिशन को यूज किया जाएगा। तो रिएक्शन में क्या है, आर्सेनिक का ऑक्साइड लिया है, H2S के साथ रिएक्शन कराई है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर इधर आ रहा है, तो यहां से सल्फर हटा है, यहां से ऑक्सीजन हटा है, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, आर्सेनिक सल्फाइड बन गया है, उसका सोल और वाटर अलग हो गया है। फिर है हाइड्रोलिसिस, नाम में ही मतलब छुपा, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या बताया है कि हम एक रेड सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऑप्टेन कर रहे हैं जब हम कुछ फेरिक क्लोराइड को मिला रहे हैं बॉइलिंग वाटर में। हमने फेरिक क्लोराइड लिया, वाटर डाला, अब आपको पता है वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस तो होगा ही होगा, तो Cl हटेगा, OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकाल देगा, तो इसने बना दिया FeOH होल थ्राइस का सोल। तीसरा है रिडक्शन, इसको हम यूज करते हैं कोलॉइडल गोल्ड नोन एज पर्पल ऑफ कैसियस, ये आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा वैसे पूछा तो नहीं जाता है बट फिर भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कलर को इम्पार्ट करने की। आपने हैरी पॉटर या जो भी आप पुराने लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह इस तरीके की वेब सीरीज मूवीज देखते हो तो आपने देखा पुराने जमाने के इम्पैक्ट डालने के लिए ना बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं जिसपे बड़ा डिजाइन सा होता है, रेड रेड सा कलर दिख रहा होता है, तो वो कुछ नहीं होता, पर्पल ऑफ कैसियस ही होता है। ठीक है, तो कोलॉइडल गोल्ड बनाने के लिए जिसको हम पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं, हम क्या करते हैं, और एक क्लोराइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ, तो गोल्ड सोल बनता है और SnCl4 अलग हो जाता है।
फिर है ऑक्सीडेशन, नाम में ही मतलब छुपा है, तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसके रिएक्शन कराएंगे। तो H2S ले लिया हमने, SO2 के साथ रिएक्शन कराई, वाटर अलग हो गया, सल्फर का सोल बन गया। तो ऑक्सीडेशन जो है ये हम यूज करते हैं नॉन मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशंस बनाने के लिए, जैसे सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल। तो इनके जब आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने हैं तो आप ऑक्सीडेशन मेथड को प्रोसीड करेंगे। फिर बाकी के तीन पॉइंट तो और महाघटिया, इनका कुछ बकवासबाजी है बस, और कुछ है नहीं, बट फिर भी देख लो। By exchange of solvent, by lowering of solubility, हम क्या करते हैं, एक कोई सब्सटेंस लेंगे, उसको ना हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लेंगे। हमने कोई सब्सटेंस लिया, उसको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लिया। अब इस सॉल्यूशन को ना हम किसी दूसरी सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और जब मिक्स करेंगे तो इस तरीके से मिक्स करेंगे कि वो उसके अंदर लेस सॉल्यूबल रहे, ठीक है। कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, लेस सॉल्यूबल होना चाहिए। तो इस मेथड से हम सल्फर सोल बनाते हैं। सल्फर सोल इज फॉर्म्ड बाय पोरिंग इट्स सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड इन टू वाटर। फिर है बाय एक्सेसिव कूलिंग, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म एंड ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। या आप एज इट इज याद कर लेना, पेपर में आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है इस चैप्टर में से। फिर है बाय कैथोडिक रिडक्शन, जब हम कैथोड एनोड पे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कैथोडिक रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जो लेड के सॉल्ट होते हैं उनको हम करंट देते हैं और फिर क्या होता है, कैथोड पे लेड का सोल बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैथोडिक रिडक्शन कहते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग ये देखेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन को हम प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम प्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके मेजरली दो टाइप्स हैं, दो प्रोसेसेस हैं, एक है डायलिसिस और एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दोनों ही बहुत आसान हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। डायलिसिस आपने पहले भी सुना होगा, कई बार कुछ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उनको डायलिसिस पे रखा जाता है ना। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं डायलिसिस की, हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर ना हम पानी भर देते हैं और पानी के अंदर ना हम एक बैग को टांग देते हैं। ये जो बैग है ये पार्चमेंट पेपर या फिर ऐसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है हम किसको कहते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल को ही पास होने देती है, सबको पास होने नहीं देती। तो हमने क्या किया है, एक बैग लिया है जिस जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से बना है। इसके अंदर ना दो चीजें प्रेजेंट हैं, इसके अंदर एक तो प्रेजेंट है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और एक आपका प्रेजेंट है क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उनका साइज बड़ा है तो वो पास नहीं होंगे। हमने क्या किया, हमारे पास ना एक सॉल्यूशन था जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ना क्रिस्टलॉइड यानी कि एक तरीके की इम्प्योरिटी ऐड हो गई थी। इम्प्योरिटी का मतलब यहाँ पर गंदगी नहीं है, इम्प्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये है अनवांटेड चीजें जो एट प्रेजेंट हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर क्रिस्टलॉइड आ गया, हमने इसको बैग के अंदर डाल दिया, बैग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना है और यहाँ से ना पानी पास हो रहा है। तो ये पानी क्या करेगा, इस बैग के अंदर जाएगा, क्रिस्टलॉइड को अपने अंदर डिजोल्व करेगा और फिर इस बैग से बाहर होता हुआ वाटर क्रिस्टलॉइड को बाहर ले जाएगा। तो एक तरीके से हमने प्यूरीफाई कर दिया, तो ये एक डायलिसिस प्रोसेस है। तो देखिए डायलिसिस में मैंने क्या आप लिखा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजोल्व्ड सब्सटेंस, किसी डिजोल्व्ड सब्सटेंस को रिमूव करना किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। इन दिस प्रोसेस अ बैग ऑफ सूटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग and the molecule ion diffuse through membrane and pure colloidal solution is left behind. अब इसी में dialysis process में अगर हम anode और cathode लगा दें, अब anode पे कैसा चार्ज होता है, positive, इसकी तरफ कौन attract होंगे, negative charge के particle, cathode कैसा है, negative, इसकी तरफ कौन attract होंगे, positive charge के particle, तो ये speed पकड़ लेता है। अगर हमें डायलिसिस प्रोसेस को स्पीडली कराना चाहती हूँ, ऐसे तो बहुत स्लो स्लो होगा और पानी कितना वेस्ट होगा,
तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी जो ये सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, ये जल्दी हो जाए, तो मैं कैथोड एनोड यहाँ पर लगा दूंगी और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के केटायन और एनायन को अट्रैक्ट करके सेपरेशन को जल्दी कर देगा। तो जब हम डायलिसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं उसको फास्ट करने के लिए, तो डिजॉल्व सब्सटेंस जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस है वो हो जाता है। पानी आएगा, पानी क्या करेगा, उन इलेक्ट्रोलाइट को बहा के ले जाएगा। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमारा इम्प्योर कोलॉइड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिस पे केटायन एनायन हो, केटायन एनायन जिस पर होगा वही कैथोड एनोड से अट्रैक्ट होगा, जिस पे चार्ज ही नहीं है वो कैथोड एनोड से कैसे अट्रैक्ट करवाओगे आप, ठीक है। फिर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहले ना फिल्ट्रेशन क्या होता है, आपने देखा छोटी क्लास में हम ऐसे फनल लेते हैं, फनल के अंदर हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ इसमें से सैंपल डालते हैं और वो ड्रॉप 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 गिर के गिरता है, तो ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो मैंने फिल्टर पेपर लगाया है ना, उस फिल्टर पेपर को हम स्पेशली बनाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं। अब उसको हम कैसे बना रहे हैं, फिल्टर पेपर को ना पहले हम सोक्ड करते हैं, ठीक है, भिगोते हैं, डिप करते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है कि कोलोडियन सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, 1 मार्क्स में बताइए। तो ये 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, ये आप जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि कोलोडियन सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो इट इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ सेलुलो नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। तो हमने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को हमने क्या किया, कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप किया, ये क्या कर देगा, पोर के साइज को छोटा कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मल एल्डिहाइड में डिप करेंगे, तो फॉर्मल एल्डिहाइड क्या कर देगा, उसको हार्ड कर देगा और पोर का साइज हमने क्या कर दिया, छोटा। फाइनली हम उसको ड्राई कर देंगे और फिर हम फिल्टर पेपर को यहाँ पे लगा के फिल्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे। जब पोर का साइज छोटा हो जाएगा, छेद का साइज छोटा हो जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्लो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना सक्शन पंप मोटर वोटर कुछ लगा देते हैं छोटी सी, वो क्या करता है, इसको खींचता है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से ना जिगजैग मोशन शो करते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने इस चीज को स्टडी किया था कि पार्टिकल इधर उधर टकरा रहे हैं, एक दूसरे को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो वो जिगजैग मोशन शो कर रहे हैं, इसीलिए इस मूवमेंट को नाम दे दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। यहां पर क्या चीज देखी जाती है कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, उसका सॉल्यूशन जितना लेस विस्कस होगा, मतलब कम गाढ़ा होगा, पार्टिकल उतना ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा जिगजैग मोशन शो करता है। जैसे ही पार्टिकल का साइज बढ़ता है या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन विस्कस होता है, तो हमें ब्राउनियन मूवमेंट धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा है टिंडल इफेक्ट। आपको पता है कि जब हम ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास कराते हैं तो वो हमें ना दिखाई नहीं देती, बीम ऑफ लाइट, बट अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन के अंदर बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो वो हमें ना गुजरती हुई दिखाई देती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं और हमें दिखाई देता है कि हाँ बीम ऑफ लाइट पास हो रही है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो है ये किस पे बेस्ड है, लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, जो कि कोलॉइडल पार्टिकल शो करते हैं। फिर है कलर। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्योंकि लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से ये हमें क्या दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं, ठीक है। फिर है चार्ज। अगर हम कोलॉइडल पार्टिकल की बात करें तो इनपे ना कुछ चार्ज होता है, और चार्ज दो ही तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं सोल्स के, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज सोल हमारे कौन कौन से होते हैं, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, जैसे मेटल के ऑक्साइड जिनमें वाटर भी होता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इन सबके साथ वाटर आ रहा है।
फिर है बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, इसका भी कोलोइडल सोल्यूशन होता है। हीमोग्लोबिन हमारा जो ब्लड है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है Fe2+ की स्टेट में, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। ऑक्साइड्स लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 जो है ये भी कोलोइडल सोल्यूशन बनाता है और पॉजिटिव चार्ज का होता है। नेगेटिव चार्ज के हमारे कौन कौन से सोल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो इनके जितने भी पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव चार्ज के सोल बनाते हैं। जितने भी एसिडिक डाई हैं जैसे कि ईओसेन, कोंगो रेड, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव चार्ज के सोल बनाते हैं। सोल्स ऑफ स्टार्च, गम्स, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, ये भी क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के। क्ले पे नेगेटिव चार्ज होता है, आगे जब मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। मेटालिक सल्फाइड्स, मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इन सब पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। तो हमने ये चीज़ देखी कि कोलोइडल पार्टिकल पे ना चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ना चार रीजंस दिए साइंटिस्ट ने कि भाई क्या चार रीजन, क्या चार कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज आता है। ठीक है, तो ये चार, बट जो हम सबसे मेन फॉलो करके चलते हैं वो होता है हमारा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो सबसे पहला रीजन इन्होंने क्या दिया कि कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं, या जो कोलोइडल पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जो हमारा एक सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है और एक हमारा सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इनके पार्टिकल्स ना आपस में जब टकराते हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। आपको पता है जब भी कोई चीज़ फ्रिक्शन में होती है तो वो चार्ज जनरेट करती है। ठीक है, तो पहला रीज़न इन्होंने ये दिया। दूसरा रीज़न इन्होंने क्या दिया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और आपको पता है अगर कोई भी चीज़ टूटती है तो वो केटायन अनायन में टूटेगी, है ना, चार्ज रहेगा। तो कह रहे हैं कि केटायन अनायन में टूटती है, बाद में फिर वो आपस में जुड़ जाते हैं आयन्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद कह रहे हैं तीसरा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल, जब हम मेटल में करंट दे रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, आयोनाइज कर रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी चार्ज जनरेट हो सकता है। और चौथा है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन्स फ्रॉम सॉल्यूशन एंड या फिर और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से हम क्या चीज समझते हैं। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्या कह रहा है, प्रेफर का मतलब ही यही होता है, इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज को प्रायोरिटी देना कि मैं उसको प्रेफर कर रहा हूं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल जो है वो किसकी वजह से आता है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से आता है। जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में यानी कि सॉल्वेंट में। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, समझिए ध्यान से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक ना कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर मैंने ना सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डाला और AgNO3 की रिएक्शन कराने के लिए मैंने इसके अंदर ना KI डाल दिया। तो AgNO3 और KI कैसे टूटेगा, Ag+NO3- K+I-। तो Ag I- के साथ रिएक्ट करके AgI बना रहा है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और पोटेशियम NO3 के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। तो ये दोनों ने जब आपस में रिएक्शन करी तो ना प्रेसिपिटेट बन गया, PPT बन गया। किसका प्रेसिपिटेट बन गया, सिल्वर आयोडाइड AgI का। अब सिल्वर आयोडाइड के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, एक तो सिल्वर और एक आयोडाइड, है ना। तो ये जो प्रेसिपिटेट बना है सिल्वर आयोडाइड का, ये डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट में से या तो I- को एड्सॉर्ब करेगा, सेम चीज को एड्सॉर्ब करता है, या AgI सिल्वर को एड्सॉर्ब करेगा। अगर ये I- को एड्सॉर्ब कर रहा है, जैसे कि ये मेरा प्रेसिपिटेट है, यहां बना देती हूं, जैसे कि ये मेरा प्रेसिपिटेट है AgI का, और AgI ने क्या किया, I- इसको ऐसे एड्सॉर्ब कर लिया, तो ये कहलाएगा नेगेटिव चार्ज का सोल।
और अगर ये AGI अपने सरफेस पे Ag+, 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 Ag+ इसे एड्सॉर्ब कर रहा है तो ये बनाएगा पॉजिटिव सोल। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, कि वो प्रेफर कर रहा है कि मैं I- को एड्सॉर्ब करूंगा नेगेटिव सोल बनाऊंगा, सिल्वर Ag+ को एड्सॉर्ब करूंगा पॉजिटिव सोल बनाऊंगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि जैसे फेरिक क्लोराइड होता है, अगर फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, आप हॉट वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो ये उसका हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा और उसके बाद Fe3.XH2O अगर अपने सरफेस पे Fe3+ को एड्सॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का सोल बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम FeCl3 की रिएक्शन NaOH के साथ करा दें तो ये रिएक्ट करके बनाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म अपनी, और अगर ये अपने सरफेस पर OH- को एड्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दे तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज सोल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज होता है और उन पे चार्ज आने के हम अगर प्लॉजिबल रीजन या प्लॉजिबल मैकेनिज्म देना चाहें तो ये चार कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम फॉलोअप किसको करते हैं, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मेथड को या आयंस को। ये हमें ये कहता है कि अगर हम दो चीज़ों की रिएक्शन करा दें और कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो प्रेसिपिटेट अपने सरफेस पे किसी पर्टिकुलर चार्ज को एड्सॉर्ब करेगा और जिस चार्ज को वो एड्सॉर्ब कर रहा है उसी से रिलेटेड फिर वो अपना सोल यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा और उसी तरीके का चार्ज कोलोइडल पार्टिकल पर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी और जीटा पोटेंशियल, जिसे हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको बोर्ड में मिले। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी क्या कहती है। ये कहती है कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एड्सॉर्ब हो रहा है किसी कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे तो ये एक फिक्स लेयर बनाएगा, फिर ये अट्रैक्ट करेगा काउंटर आयन यानी कि अपोजिट आयन को डिस्पर्जन मीडियम में से और सेकेंड लेयर बनाएगा जो कि मोबाइल रहेगी और इसे हम कहेंगे डिफ्यूज्ड लेयर। दोनों लेयर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या मतलब है इस बात का, देखिए। ठीक है, वैसे तो कोलोइडल पार्टिकल आपके बहुत छोटे 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 होते हैं, पर मान लो कोई एक कोलोइडल पार्टिकल है और ये कोलोइडल पार्टिकल का सरफेस है। ठीक है, उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा जूम कर दिया। तो ये अगर मेरा कोलोइडल पार्टिकल है तो कोलोइडल पार्टिकल क्या करेगा, अपने सरफेस पे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी एक आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो पहली लेयर बनेगी, इस पहली लेयर को हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर, इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेयर। फिर ये क्या करेगा, यही जैसे मान लो सपोज इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, हो सकता है नेगेटिव को भी कर ले, किसी भी एक चार्ज को ये अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया है तो अब ये जो सेकेंड लेयर को अट्रैक्ट करेगा वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। अगर पहले नेगेटिव को अट्रैक्ट किया होता तो सेकंड लेयर पॉजिटिव की बनती। ठीक है, तो सेकंड लेयर इसने कौन सी अट्रैक्ट करी, नेगेटिव वाली। सेकंड लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर या फिर मोबाइल लेयर। समझ में आया। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर कि जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन किसी इलेक्ट्रोलाइट का एड्सॉर्ब हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर तो ये क्या बना रहा है, फिक्स्ड लेयर बना रहा है। पहली लेयर को फिक्स्ड लेयर कहेंगे। फिर ये फिक्स्ड लेयर अपने से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और ये बनाएगी डिफ्यूज्ड लेयर। जो दो लेयर का कॉम्बिनेशन होता है अपोजिट चार्ज की, जो दो लेयर का कॉम्बिनेशन होता है किसी कोलोइडल पार्टिकल के चारों तरफ या उसके अराउंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। क्लियर है। फिर आता है जीटा पोटेंशियल। अब क्योंकि ये दोनों लेयर्स पे चार्ज है तो इन दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल।
पेपर में 1 मार्क्स में आ जाएगा। जीटा पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे कि कोलोइडल पार्टिकल अपने सरफेस पे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को एड्जॉर्ब करता है। पहली लेयर को फिक्स्ड लेयर कहते हैं, दूसरी लेयर को डिफ्यूज्ड लेयर कहते हैं। दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, इसे हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं कह रही हूँ, ये दोनों टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हो सकता है कि ये आपको पेपर में मिल जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, यू शेप की ट्यूब लेंगे, उसके अंदर ना कोलोइडल सॉल्यूशन डाल देंगे। अब हमें पता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, हम क्या करते हैं उसके अंदर कैथोड और एनोड को डिप करके रख देते हैं। अगर पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहे हैं मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहे हैं तो मतलब कि कोलोइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें एक तो ये पता चल जाता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा है, और इस टेक्निक से हम कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कोलोइडल पार्टिकल की मूवमेंट होना अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अगर कोलोइडल पार्टिकल हमारे कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो इसी को हम कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, एक जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी ये सेपरेशन हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल का, कोलोइडल की मूवमेंट को किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या है, स्टेबलाइजेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। जैसे कोलोइडल पार्टिकल पे कुछ चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर हम उसका अपोजिट चार्ज उसके अंदर डाल दें तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो कोगुलेशन क्या है, प्रोसेस है एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, इकट्ठा हो जाना into an insoluble precipitate by adding an suitable electrolyte। कि कोलोइडल पार्टिकल था उस पर मान लो नेगेटिव चार्ज था, मैंने पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएगा, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, तो इसे हम कहेंगे कोगुलेशन। अब आता है हार्डी स्किल्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हार्डी स्किल्स रूल क्या कहता है, एक तो ये कहता है कि अगर आपको कोगुलेशन कराना है ना तो आप अपोजिट चार्ज को ऐड कर दो। दूसरा ये कहता है कि जिस आयन को आप ऐड कर रहे हो उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। क्या मतलब है इस बात का, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल है, मान लो ये है। ठीक है, आपसे ना सवाल दे दिया, आपको कहा है कि एक तो मेरा Na प्लस है, एक हमारे पास मैग्नीशियम है 2 प्लस, एक है एल्यूमिनियम 3 प्लस, और आपसे कह रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज की सोल को ना कौन सबसे अच्छा कोगुलेट करेगा। तो आप कहेंगे जिस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है वो सबसे अच्छा कोगुलेशन करेगा, ये हार्डी स्किल्स रूल कहता है। ठीक है, मैंने नेगेटिव में पॉजिटिव डाला है, हो सकता है क्वेश्चन में पॉजिटिव सोल दे दे और किसी नेगेटिव को डाल रहे हो, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी कोगुलेशन की क्षमता अच्छी होगी। देखो यहाँ पर 6 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम कितना लगेगा तुमको, 6 बार। मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, तो एक मैग्नीशियम 2 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दूसरा मैग्नीशियम इन 2 को करेगा, तीसरा मैग्नीशियम इनको, तो ये कितने लगेंगे, 3। एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, तो वो एक साथ 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये आपको कितने लगेंगे, 2। तो हार्डी स्किल्स रूल ये कहता है कि जिस भी चार्ज को आप ऐड कर रहे हैं अपोजिट चार्ज वाले को, उसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी या जितनी ज़्यादा पावर रहेगी उसकी उतनी ही अच्छी क्षमता होती है कोगुलेशन कराने की, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन करने की। ठीक है, फिर आता है कोगुलेटिंग वैल्यू, कि इसका मतलब क्या है, मिनिमम कंसंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को कम से कम हम कितना डालें मिलीमोल्स के हिसाब से 1 लीटर में,
ताकि वो क्या करा दे, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन करा दे 2 घंटे में। समझ में आया? जिसकी कोगुलेटिंग पावर अच्छी होती है, जिसकी कोगुलेशन कराने की क्षमता अच्छी होती है, क्वांटिटी में क्या लगता है, कम। अमाउंट में क्या लगेगा, कम। देखा ना, एल्यूमिनियम पे 3+ था, तो इसके सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल लग रहे हैं कोगुलेशन कराने के लिए। तो जिसकी कोगुलेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है उसका अमाउंट क्या रहता है, कम। ठीक है, तो जब हम कोगुलेशन कराते हैं तो सेटल डाउन होने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की हम कम से कम कितनी कॉन्सेंट्रेशन डालें मिलीमोल्स पर लीटर में, ताकि वो कोगुलेशन करा दे 2 घंटे में। फिर है कोगुलेशन अगर हम लायोफोबिक सोल का कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इस प्रोसेस को करा सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, 2 अपोजिट चार्ज की सोल को मिक्स कर सकते हैं, परसिस्टेंट डायलिसिस प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हम उसको डायलिसिस कर सकते हैं। अगर लायोफिलिक सोल का कोगुलेशन कराना है तो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं या कोई सूटेबल सॉल्वेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। इसमें हमने आर्सेनिक सल्फाइड की सोल ली है जो कि नेगेटिव चार्ज की होती है, और जब हम करंट दे रहे हैं तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रही है और वहां पर जाकर क्या हो रही है, कोगुलेट हो रही है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है और इस इलेक्ट्रोड पे ये कोगुलेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट होकर वहीं पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मेरे पास ना एक लायोफोबिक सोल है। क्या है मेरे पास? लायोफोबिक सोल है, और जो लायोफोबिक सोल है ये इजीली ना हाइड्रेटेड नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ये क्या है, ये है लायोफोबिक सोल, ये क्या है, लायोफोबिक सोल। तो लायोफोबिक सोल जो है ये क्या कहते हैं, स्टेबल नहीं होती। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसे इजीली ना कोगुलेट कर देगा। अब मान लो मैं चाहती हूँ कि इसका कोगुलेशन ना हो, मैं इसे कोगुलेशन से बचाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ना लायोफिलिक सोल डाल दूंगी और लायोफिलिक सोल इसको सराउंड कर लेगा। ठीक है, और जब हम उसके बाद कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस लायोफोबिक सोल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो इसको कोगुलेट भी नहीं कर पाएगा। तो अगर वैसे तो कभी क्वेश्चन मिलेगा नहीं, बट अगर मान लो बाय चांस ये सवाल आ गया कि आप लायोफोबिक सोल को अगर कोगुलेशन से प्रिवेंट करना चाहते हो, अगर आप लायोफोबिक सोल को कोगुलेशन से बचाना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो, तो कौन कौन से मेथड्स है जो आप चूज कर सकते हो, तो आप कौन सा आंसर टिक करके आएंगे, लायोफिलिक सोल। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोटेक्शन की बात, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर कि ये प्रोटेक्टिव की तरह, प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए क्या है, गोल्ड नंबर क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास गोल्ड की सोल है, लिक्विड है, पानी है, हमने देखा भी था ब्रिडिगार्क मेथड से हम गोल्ड की सोल बना सकते हैं। तो गोल्ड के पार्टिकल ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, और गोल्ड के पार्टिकल पे चार्ज होता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर मैं ना इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगी, सीधा सीधा इलेक्ट्रोलाइट क्या, 1 ml ऑफ 10% NaCl, अगर मैंने ये भी डाल दिया ना 10% NaCl का 1 ml, तो ये इस गोल्ड की सोल को ना कोगुलेट कर देगा, इसका चार्ज इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। समझ में आया? अब मैं चाहती हूँ कि प्रेसिपिटेशन ना हो, मैं चाहती हूँ कि कोगुलेशन ना हो, स्टेबलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ना हो, मेरा गोल्ड सोल जो है वो गोल्ड सोल की तरह ही प्रोटेक्टिव रहे, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ना कुछ मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स डाल दूंगी। मैं क्या करूंगी, इसके अंदर कुछ मिलीग्राम क्या करूंगी, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स डाल दूंगी, और वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या करेंगे, इस तरीके से गोल्ड के पार्टिकल्स को, गोल्ड सोल के पार्टिकल को क्या कर देंगे, सराउंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम गोल्ड सोल लेते हैं वो कितना लेते हैं, गोल्ड सोल हम यहाँ पर लेते हैं 10 ml, कितना लेते हैं 10 ml। तो अगर मैंने 10 ml गोल्ड सोल लिया है
तो मैं उसके अंदर कितने मिलीग्राम किसी प्रोटेक्टिव कोलोइड्स को डालूं कि वो गोल्ड सोल को क्या कर ले, सराउंड कर ले, कि उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रही हूँ 1 ml 10% NaCl तो वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहा और उसको कोगुलेट नहीं कर पा रहा। समझ में आया? तो गोल्ड नंबर क्या है, एक तरीके से गोल्ड की सोल को प्रोटेक्ट करने का तरीका है कि उसका कोगुलेशन ना हो। तो हम 10 ml गोल्ड सोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलोइड डालते हैं ताकि क्या हो, हम उसको कोगुलेशन से बचा सके अगर हम उसके अंदर 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। हम 10 ml गोल्ड सोल लेते हैं, अगर मैं सीधा सीधा उसके अंदर NaCl डाल दूंगी तो कोगुलेशन हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि कोगुलेशन ना हो तो मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रोलाइट डालने से पहले कुछ मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलोइड डाल दूंगी। तो मैंने कितना प्रोटेक्टिव कोलोइड डाला मिलीग्राम में, वो गोल्ड नंबर कहलाता है कि वो क्या करेगा, वो गोल्ड सोल को इलेक्ट्रोलाइट के डालने के बाद प्रेसिपिटेट यानी कि कोगुलेशन होने से बचाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलोइड्स अराउंड अस। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ कोलोइड्स या कोलोइडल सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो आप सभी को पता है कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मॉइस्चर होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वाटर के साथ एयर में फैले रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो जब भी लाइट इन पार्टिकल से टकराकर स्कैटर होती है, ठीक है, तो वो ब्लू लाइट जब स्कैटर होकर हमारी आंखों में गिरती है तो उसकी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का, नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो कोलोइडल पार्टिकल क्योंकि प्रेजेंट है एयर के अंदर जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें स्काई का ब्लू कलर देखने को मिलता है। फिर है क्लाउड। क्लाउड्स जो होते हैं ये एरोसोल के एग्जाम्पल होते हैं। मैंने आपको कोलोइडल सॉल्यूशन के जब शुरू कराया था तो मैंने आपको टेबल बताई थी कि भाई देखिए ये एरोसोल्स होते हैं और यहाँ से वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो हमारे क्लाउड्स हैं वो एरोसोल का एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एयर के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स रहती हैं, तो ये भी कोलोइडल है। फिर आता है ब्लड। ब्लड भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है एल्बुमिनॉइड का। तो इसका काम क्या है, ये जब भी ब्लीडिंग होती है, हमें चोट लग जाती है तो ब्लड को रोक देता है, ब्लीडिंग को रोक देता है ऑन अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। क्योंकि फेरिक क्लोराइड क्या कर देता है, कोगुलेशन कर देता है। जो हमारा ब्लड है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है उसके सेंटर में आयरन मेटल होता है, +2 चार्ज कैरी करता है। तो क्या करता है ये फेरिक क्लोराइड, ये उसका न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, कोगुलेशन कर देता है और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। फिर है फूड आर्टिकल, मिल्क हो गया, बटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, ये सारे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिल्क जो है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है और वो हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। कई बार 11th क्लास में क्वेश्चन डाल देते हैं हम मिल्क की होमोजीनियस है कि हेटरोजीनियस है, हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन। उसके बाद है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इसमें क्या है, देखिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, समझिए। रिवर वाटर जो होता है जब वो सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो डेल्टा फॉर्म करता है। ठीक है, अब कैसे होता है, रिवर वाटर के अंदर जो है क्ले होता है, क्ले का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है और क्ले पे ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब ये सी वाटर के कांटेक्ट में आता है समुद्र के पानी में, नमक होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारी वो चीज़ें होती हैं जो कैटायन और एनायन में टूट सकते हैं। तो अगर इसका नेगेटिव चार्ज कोई न्यूट्रलाइज कर दे, कोई स्टेबल कर दे, तो कोगुलेशन हो जाएगा। क्योंकि कोगुलेशन का मतलब ही यही है, स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्जेस या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो वो प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन होने लगेगा और जिसकी वजह से हमारा डेल्टा फॉर्म हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा कैसे फॉर्म हो रहा है, तो आप कहते हैं कि रिवर वाटर जब सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो रिवर वाटर के अंदर क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, क्ले का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है रिवर, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। समुद्र के पानी सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इस क्ले को न्यूट्रलाइज कर देता है, कोगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अक्कर होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन टैनिंग के ऊपर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आई थिंक 2019 में एक क्वेश्चन टैनिंग पर आया भी हुआ है, ठीक है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि कोलोइड्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिसन्स में, दवाई में यूज़ करते हैं। कोलोइडल एंटीमनी को हम यूज़ करते हैं फॉर क्योरिंग काला अजर। काला अजर एक तरीके का फीवर होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो एंटीमनी का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। फिर है एक अर्ग्रायरोल, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं आई लोशन के तौर पर। ये क्या होता है, सिल्वर सोल होता है जेलेटिन के अंदर। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एमल्शन होता है जिसे हम पेट दर्द के लिए यूज़ करते हैं। गोल्ड के कोलोइडल सॉल्यूशन और कैल्शियम के कोलोइडल सॉल्यूशन को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में यूज़ करते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे पेंट हो गया, इंक हो गया, रबड़ हो गया, सिंथेटिक प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट के लुब्रिकेंट्स हो गए, सीमेंट हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। फिर ये है टैनिन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत चांसेस हैं कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि टैनिन क्या है। तो देखिए, व्हेन हाइड, हाइड का मतलब क्या है यहाँ पर, एनिमल की आउटर स्किन, एनिमल की जो आउटर स्किन होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जानवरों की जो ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, जो जानवरों की ऊपर की लेयर होती है जिससे हम चमड़ा बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड। तो जब हम हाइड लेते हैं, हाइड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की, उसको हम ना टैनिन एक केमिकल होता है उसके अंदर सोक कर देते हैं। टैनिन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का, और एनिमल की जो आउटर स्किन है जिसे हम हाइड कहते हैं, ये कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का। अब देखिए, हमने हाइड जो कि पॉजिटिव चार्ज का था उसे नेगेटिव चार्ज में डिप किया, तो कोगुलेशन प्रोसेस होगा, चार्जेस एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है स्किन, ठीक है, तो उसे हम लेदर के तौर पे यूज़ करते हैं, जैकेट वगैरह, कपड़ा वगैरह, ये सब बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं, ठीक है, टैनिंग। फिर है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो रिवर वाटर होता है इसमें क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, और क्ले के पार्टिकल कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। जब हम इसके अंदर एलम डालते हैं, एलम में एल्यूमिनियम होता है, 3+ चार्ज कैरी करता है, ये 3+ क्या करता है, क्ले के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्ले प्रेसिपिटेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाती है और हमें प्योर वाटर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।